एक सब इंस्पेक्टर दी गड्डी नाल वड्डा हादसा होया है, जिस विच सब इंस्पेक्टर दी जान तक चली गई है। दसे जा रहा है कि गड्डी चलदी चलदी अपने आप ही पलट गई। सड़क ते पलटन तो बाद गड्डी दे विच सवार सब इंस्पेक्टर भी बुरी तरह जख्मी हो गया, जिस नु जदों अस्पताल ले जाया जा रहा सी तां राह दे विच उसने दम तोड़ दिता। परिवार दे विच मातम पसरिया होया है, परिवार दा रो रो के बुरा हाल है। मामला हरियाणा के करनाल तो सामने आया, जिथे एक सब इंस्पेक्टर सूबे सिंह जो अपनी ड्यूटी खत्म करके घर वापस परत रहा सी, ता अचानक उसकी गड्डी का संतुलन बिगड़िया ते गड्डी सड़क ते ही पलट गई। पलटी वी इन्नी जोर नाल कि इस विच सवार सब इंस्पेक्टर बुरी तरह जख्मी हो गया। राहगीरां दे वलों जदों इस सब इंस्पेक्टर नूं हस्पताल ले जाया जा रहा सी तां राह दे विच ही उसने दम तोड़ दिता। उधर हस्पताल ले जाके भी डॉक्टरां ने सब इंस्पेक्टर नूं मृत ऐलान दिता। हालांकि कारण अजे साफ नहीं हुए ने कि आखिर ये गड्डी पलटी किदा, या तां तेज रफ्तार दे विच सी जो संतुलन बिगड़िया ते सड़क दे उत्ते पलट गई। रात वेले ये एक्सीडेंट होया है, जिस तों बाद राहगीरां दे वलों सब इंस्पेक्टर नूं जख्मी हालत च हस्पताल ले जाया जा रहा सी, पर जख्मां दी ताब ना चलदी आई सब इंस्पेक्टर ने राह दे विच ही दम तोड़ दिता। दसिया जा रहा है कि सब इंस्पेक्टर दे सिर च डूंगी सट लगी सी, जिस करके उसकी मौत हो गई है। परिवार दा रो रो के बुरा हाल है। उधर पुलिस दे वलों भी लाश नूं कब्जे च लिया गया है अते पता लगाउण दी कोशिश कीती जा रही है कि आखिर यह हादसा वापरिया किता है। आसपास दे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे ने। पता लग्या कि भाई ड्यूटी करके घर जा रहा था और रास्ते में यूं पता नहीं एक्सीडेंट हुआ है या क्या हुआ क्या नहीं। गाड़ी पलट गई थी बता रहे? गाड़ी पलट रही थी। तो सीरियसली इंजर्ड हो गए थे? हां, हेड इंजरी बता रहे हैं। वो भीतर ब्लीडिंग हो रही थी, उसके कारण फिर यहाँ दाखिल करा, यहाँ से सीटी स्कैन करा, ब्लीडिंग का सिस्टम दिखा, वो फोटोज बने जा रहे थे, वहाँ रास्ते में जाते हुए एक्सपायर हो गए। कितने बच्चे हैं इनके? इनके दो बच्चे हैं, एक विदेश में रहता है कनाडा, एक ने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पीएचडी करी है। वो तो कोलगांव के रहने वाले थे जी। तो कब हादसा हुआ था ये? सोमवार को है जी, करनाल में ड्यूटी थी उस समय? इतवार को सुबह जी, इतवार को सुबह हो जी आज से। तो ड्यूटी खत्म करके वापस जा रहे थे? ड्यूटी खत्म करके नक्के पे ड्यूटी लगी थी, उसके बाद वो अपने घर जा रहे थे। सुबह 5:30 बजे के आसपास की बात है जी। तो एक्सीडेंट कैसे हो इस चीज़ का तो पता नहीं लगा कि उनको जब किया ही या कोई उनकी गाड़ी के आगे कुछ गाड़ी पर कुछ आया क्या हुआ क्या नहीं, किसी ने साइड दे मारी होगी शायद, कुछ नहीं कहा। साइड शूट का तो कुछ नहीं पता लग पा रहा है इस बारे में। गाड़ी तो दुखद है पूरे परिवार का। हाँ जी, बहुत बहुत बड़ी आदमी थे जी, बड़े नेक दिल इंसान। तो सी आई में पोस्टेड थे? हाँ जी, सी आई टू में पोस्टेड है जी। सब इंस्पेक्टर हैं? हाँ जी। तो बच्चा विदेश में है इनका? एक बच्चा विदेश में, एक डॉक्टरेट किया हुआ है, पीएचडी होल्ड रहे हैं जी। वो तो कोलगांव के रहने वाले हैं? हाँ जी। हाँ, क्या स्पोर्ट्स कोटे में भर्ती हुए थे? नहीं, जनरल कोटे में भर्ती थे जी। तो आप देख